कल हमारे बीजेएमआई के अंदर आने वाला है ग्लेशियर ब्राइड अल्टीमेट सेट, और उसके साथ आने वाली है न्यू लेवल 8 की AUG विथ अपग्रेडेबल मोल्टो का स्किन। और कल बीजेएमआई में हम लोग उसकी क्रेट ओपनिंग भी करेंगे, लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों के लिए एडवांस में लेके आ गया हूँ उस अल्टीमेट सेट का गेम प्ले विथ मैक्स आउट AUG की स्किन, वो भी मोल्टो के साथ और डबल AUG आज हम लोग यूज करने वाले हैं। तो गेम प्ले बहुत ही ज्यादा फाड़ू होने वाला है। जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि अगर तुमने ये चीजें नहीं करी तो तुम अपने कच्चे फाड़ो या ना फाड़ो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ के तुम्हारे कच्चे फाड़ दूंगा। अब यहाँ पे स्पाइडर मोन को एक टीम ने नॉक करके फिनिश मार दिया। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पीछे फाइट लेते ही रह गया, और तभी सामने से वही बंदे जिन्होंने स्पाइडर मोन को फिनिश किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इन बंदों को हम लोगों ने भरा, और तभी पीछे की साइड से कोई फायर कर रहा था। अब यहाँ पे मैं अंदर की साइड आया, और जहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी वहां पे बंदे आ चुके थे, और लेफ्ट में भी बंदे थे, और राइट से दूर से कोई एक बंदा बहुत देर से मार रहा था। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्मोक किया। अब आप लोग भाई जिन्होंने भी क्रेट ओपनिंग नहीं देखी, तो गेम प्ले देखने के बाद ग्लोबल के अंदर हम लोगों ने इसकी क्रेट ओपनिंग करी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग देख लेना। और कल BGMI में आप लोगों को इसकी क्रेट ओपनिंग चाहिए कि नहीं कमेंट्स में बताना जरूर। फिलहाल के लिए यहाँ पे पीछे से एक बंदे की फुट्स आए, अब इस भैया की पेटी बनाई और यहाँ पे लूट वगैरह कर ही रहे थे कि भाई पीछे से M416 लेके, वो भी मैक्स आउट फीनिक्स वाली M416। ये देखो भाई साहब, ये बंदा पता नहीं कहां से आ गया और इसने मेरी और विक्की की पेटी बना दी। अब वापस से हम रिकॉल होके आए, और रिकॉल होके आने के बाद अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, भैया इससे लेना है हमको बदला, इसके फाड़ने हमें कच्चे। यहाँ पे जैसे हम उतरे विक्की को नॉक कर दिया किसी ने। अब यहाँ पे मैं लूट वगैरह कर रहा था, और विक्की को मैंने बोल दिया स्पाइडर मॉन को कि रिवाइव कर दे, तब तक मैं पीछे वाले बंदों को देखता हूँ। पीछे से बॉट अंकल आया, उनको भरा। अब यहाँ पे हमारे अलावा अभी और 5 बंदे थे, और वही M4 वाला भी बंदा था। मैं यहाँ टावर पे चढ़ के बंदों की पोजीशन देखने के लिए जाता हूँ, और तभी सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। अब मैंने उस बंदे को मारने का ट्राई किया, तभी वो पीछे की साइड भाग के गया, और आई थिंक वो उस पे बंदे रश कर रहे थे, और अंदर भाई चल रही थी फाइट। मैंने यहाँ पे मॉली करी और लग गया भाई थर्ड पार्टी में। तो कूदा क्या? पापा पापा मोशन आ गए, पापा मोशन आ गए। वॉच आउट। अब यहाँ पे पीछे की साइड से मुझे एक बंदे ने डैमेज किया, मैं इधर आया, सामने इस बंदे की फुट्स आ रहे थे, मैंने बॉट को जानबूझ के छोड़ दिया। अब आप लोग को समझ में आया बॉट एंगल को क्यों मैंने छोड़ा। एक बॉट एंगल का किल अगर मैं लेने के चक्कर में रहता तो भाई साहब वहां पे मुझे इस बंदे का नॉक नहीं मिलता। अब यहाँ पे वही M4 वाला बंदा था, उसका टीममेट जो कि अंदर गया, मुझे फुट आया उसके, मैंने ग्रेनेड कुक किया एंड बूम।
इसी के साथ अपना बदलापुर 69 कंप्लीट होते हुए गाइस, तो एक लाइक दबा के कर दो। और भाई ग्रेनेड की ये वाली पीटी कैसी लग रही है भाई यार, ये वाला अल्टीमेट सेट है। और ये स्कारल की जो स्किन है ये हमारा बीजीएमआई के अंदर नहीं आने वाली आई थिंक सो यार, बहुत ही मस्त है ये वाली स्किन यार, आनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं अब क्यों नहीं आई, क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे रिकॉल होके एक बंदा आया, वो भी बदलापुर 69 करने हमसे। अब यहाँ पे भाई हमने इसको उठाया, बोला चलो भाई तुम अंदर आओ, ऑग से तुमको निपटा के और पूरा अच्छे से डिटेल में तुमको देखेंगे भाई ऑग की कैसी पेटी बनती है। और उसी टाइम पे स्पाइडरमैन ने बोला, एक और बंदा आया, तो ये है भाई ऑग का ऑन इट इफेक्ट, और ये है ग्लोरियस मूवमेंट, ये है पेटी, और ये देख सकते हो ये है किल मैसेज किल इफेक्ट भाई। वो जो किल इफेक्ट है ना नीचे निकलता है पेड़ बन के पूरा, और फिर उसके बाद रोजेस ब्लू कलर के आ जाते हैं भाई, क्या ही लगता है गाइस देखने में, एकदम गॉड लेवल प्यारा सा लगता है बहुत ज्यादा। आप लोगों को फिलहाल के लिए AUG की स्किन कैसी लगी, अगर पूरा डिटेल में देखना है तो डेफिनेटली क्रेट ओपनिंग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गेम प्ले देखने के बाद। और BGMI में भी आने वाली है तो उसमें करूं कि नहीं करूं, और एक और सरप्राइज है उस क्रेट ओपनिंग की वीडियो में आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए सैलमोन भाई के सामने फुटपाथ पे चल लेगा, नहीं देखो फुटपाथ वाले बंदे को कुचला। रोक दिया। अब यहाँ पे दोनों की मस्त ऑग से पेटी बनाई, और तभी स्पाइडर देखो मस्त वाला थंबनेल बन गया गाइस, थंबनेल ओपन चैट कर दो यहाँ पे भाई साहब, इस तरीके से हमारा थंबनेल बना एकदम एंड मोमेंट पे, स्पाइडर मैन की गाड़ी लेके हो गई एंट्री। अब इन बंदों की पेटी बनाई, और जिधर इधर एक बंदे को कुचला था उसका टीममेट भी था इधर साइड, तो हम इधर आते हैं डायरेक्ट। भैया जी गाड़ी लेके भाग रहे थे लेकिन उनको यहाँ पे ठोक दिया, और यहाँ पे एक और बंदा था। अब जैसे मैं नीचे उतरा पीछे से एक बंदे ने मारा, विक्की ने उसको मारा, और तभी यहाँ पे आखिरी वाला टीममेट इसका बचा हुआ था। मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ, लेफ्ट राइट बूम भाई, ग्रेनेड तो भाई मानो या ना मानो गाइस लेकिन ग्रेनेड्स के लिए 1 लाख तो बनता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लूट वगैरह करते हैं, गाड़ी वगैरह लेते हैं, और तभी भाई साहब अब मैं वो जो फूल्स अपनी वो है स्पिन, उसमें स्कारल है, ग्रेनेड है, और साथ ही साथ ये भाई साहब इसकी ट्रक की स्किन है। तो यार BGMI के अंदर देना चाहिए गाइस, आप लोग को क्या लगता है देंगे? फिलहाल के लिए यहाँ पे हम निकल के जा रहे थे तभी लेफ्ट साइड में बंदे स्पॉट हुए हमें। इसको जैसे नॉक किया, लेफ्ट में हिल में बंदा और राइट में हिल में बंदे, अब सबसे पहले मैंने स्मोक किया भाई, वो बंदा गाड़ी फाड़ने में लगा था हमारा, और दूर हिल वाले बंदे भी ट्राई कर रहे थे कि उधर से एक दो नॉक निकाल के हम पे रस कर दे। तो यहाँ पे हील करने के बाद अब ऊपर वाले बंदे को जाके मारूं कैसे, गाड़ी तो थी नहीं, गाड़ी फाड़ दी उसने। मैंने यहाँ पे लगाया 69,000 IQ गॉन्टलेट निकाला अपना, एंड इन भाई साहब की यहाँ पे बना दी पेटी, वो भी बड़े आराम से भाई, क्या ही है यार एकदम, मुझे तो लिटरली बहुत पसंद आया। और ग्लेशियल ब्राइड सेट भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा भाई। अब उसके बाद हम यहाँ पे गाड़ी थी नहीं, स्केटबोर्ड लेके निकले ये वाले घरों के साइड की, इधर साइड हम लोग जाके घुमाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हिल वाले बंदे स्पॉट होते हैं कि नहीं। और सेम चीज़ हिल वाले बंदों ने भी करी, जैसे मैं यहाँ आया भाई हिल वाले बंदे भी यहीं, रेंडर हुआ फिर से, ऑल बंदा रेंडर।
अब लेफ्ट में एक बंदा आ गया, तो मैंने तो अपनी जान ग्रेनेड चूज किया था, लेकिन स्मोक चूज हो गया। अरे भाई ये गजब हेड लगी, और एक बंदा लेफ्ट में नॉक, और इधर विक्की और स्पाइडर दोनों नॉक। अब सामने मैंने एक बंदा तो नॉक किया था, सामने एक डैमेज था और एक और बंदा था, आई थिंक सो दो या तीन बंदे थे ये लोग। तो यहाँ पे हो गई अब दिक्कत, क्योंकि मुझे अपने दोनों टीममेट को करना था रिवाइव। थैंक यू। अब यहाँ पे सामने वाले बंदे पे मैं मॉली कर रहा था, और उनका एक बंदा डीपीस मुझे भर देता है, मुझे सामने से फुट्स आया। मैंने विक्की बोला नीचे आ जा भाई, ऊपर ग्रेनेड आएगा, और जैसे ही मैं नीचे गिरा वैसे ही भाई वहीं पे ग्रेनेड फटा। अब यहाँ पे हील करता हूँ मैं। और यहाँ पे स्पाइडर मॉन कुर्बान हो गए मॉल्टो से। अरे यार, और एक बंदा पीछे रोटेशन दे देता है, सामने से एक बंदे ने विक्की को डैमेज किया और विक्की जोन से नॉक हो गया। अब यहाँ पे दो बंदे बग्घी लेके भाग गए, और एक बंदा पहले ही भाग गया था, तीनों बंदे भाग गए। मैंने यहाँ पे बोला भाई साहब इसका मतलब समझ रहे हो दया क्यों भाग के गए ये लोग, जोन बहुत ही छोटा हो चुका था, और यहाँ पे अगर जोन ये वाला चालू होने वाला था और उसके बाद टच होता तो भाई हमारे लगने वाले थे। जोन काफी डैमेज दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी थी, उन बंदों ने हम पे पुश नहीं किया, जोन के अंदर गए पहले। हम भी जैसे जैसे करके जोन के अंदर आते हैं, यहाँ पे बचते बचाते, और यहाँ पे जैसे ही आए वेयर हाउस में हमको रुकना था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बग्घी लगी थी। ऊपर बंदा स्पॉट हुआ, मैंने मौली उसके मुंह पे करी, लेकिन वो बंदा मौली से जला नहीं, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे वही वाले बंदे थे जो वहां से भाग के आए थे। सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, सीढ़ियों पे इस लेफ्ट साइड, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड किया, तभी राइट साइड से मुझे एक बंदे के फुट साए भागने के, एकदम लास्ट मोमेंट में नॉक। इसने तो मारा था पीछे से। अब ये भाई साहब भी भाग के जा रहे थे अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनका प्लान हो गया फेल। आखिरी बंदा था, हम मैंने प्री फायर दिया लेफ्ट में कि भाग के शायद आए, लेकिन वो आया नहीं, ज्यादा ही होशियार था। यहाँ पे मैंने ग्रेनेड किया ताकि मैं इस पे रस कर पाऊं। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो नहीं बैठा, यहाँ पे नहीं बैठा, मतलब एक ही जगह है। एंड जैसे ही ग्रेनेड फटा मैं तुरंत जाता हूँ, और यहाँ पे इस बेचारे बंदे को सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। एंड इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी खत्म हो जाती है। अब आज आप लोग को ग्रेनेड्स मॉली कैसे लग रहे हैं, क्लचेस कैसे लग रहे हैं, और साथ ही साथ अल्टीमेट सेट एंड AUG का स्किन कैसा लग रहा है। अब यहाँ से हम जोन के अंदर आए, तभी राइट साइड से MK14 चली, ड्रॉप के पास एक बंदा स्पॉट हुआ। इन भाई साहब को हमने नॉक फिनिश किया। अब यहाँ पे हमारे अलावा तीन और बंदे बचे हुए थे, हिल के साइड में किसी ने मारने का ट्राई किया या फिर किल चोरी करने का ट्राई किया, कोई लेटा हुआ ना यार यहाँ कहीं। एंड उसी टाइम पे हिल के साइड एक बंदे को भर दिया है इन लोगों ने, तो अब हम समझ गए कि हिल के साइड एक या फिर दोनों बंदे हो सकते हैं। अब ये पता नहीं क्या चला रहा था, मैंने इसको डैमेज किया। एंड फाइनली यहाँ पे ये बंदा हो गया नॉक।
अब AUG गन तो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन थोड़ा सा भारी चलती है, मतलब उसकी कट कट की आवाज जैसे नहीं चैन फंसती है साइकिल या गाड़ी में, वैसे अटक अटक के चलती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको यूज करना। लेकिन सप्रेसर के साथ क्लोज रेंज में काफी सही गन है। अब मैं यहाँ पे गाड़ी में कुकर की ग्रेनेड आया एंड बूम। भाई क्या बूम था भाई, लेटा हुआ शायद। एंड इसी के साथ विनर विनर चिकन डिनर। गाड़ी वाला ग्रेनेड कैसा लगा आप लोग को? और भाई लास्ट वाले बंदे को भी यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया खत्म। तो आज का गेम प्ले बिल्कुल गॉड लेवल था, तो गाइज उसके लिए गॉड लेवल सपोर्ट भी चाहिए। जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी जल्दी जाके इस वाली ऑग की क्रेट ओपनिंग देख लो ग्लोबल के अंदर, और कल BGMI के अंदर भी हम लोग डालने वाले हैं क्रेट ओपनिंग करके, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो में। टेल्स आ रहा, थैंक्स वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।